तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी टीचर भाई एसएल चैंपियन। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और नीदरलैंड की, हमारी ड्रीम इलेवन की टीम क्या होगी, उसके साथ साथ हमें ग्रैंड लीग में कौन कौन से प्लेयर लेके जाने हैं। गाइस देखो, ये वर्ल्ड कप हमारा है गाइस। आज भी यार देखो, वर्ल्ड कप में गाइस हमने काफ़ी अच्छी विनिंग की है गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, ये इंग्लैंड का था मैच और गाइस देखो इसमें भी भाई हमने अल्ट्रा विनिंग की है। तो गाइस अगर आपने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों देखो यहाँ पे यार जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इसका भी लिंक यार देखो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से देखो जुड़ जाना। ठीक है, यहां पे गाइस फाइनल टीम आपको वर्ल्ड कप की देखो सारी टीम आएगी यहां पे, उसके अलावा आपको बास्केटबॉल, कबड्डी और यहां पे हम लोग फुटबॉल की टीमें बिल्कुल फ्री में शेयर करते हैं। यहाँ से देखो आपसे कोई भी हम लोग प्राइम का फी यार हम लोग चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप भी यहाँ पर फैंटेसी खेलकर कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो देखो आपको भी हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और गाइस यहाँ पे खेलकर आप देखो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों फटाफट से यार मैच को आता हूँ। और गाइस देखो इस मैच में गाइस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या रहेगा गाइस, देखो ये तो सबको पता है कि इंडिया ही में जीत जाएगी। ठीक है, ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, इंडिया में जीतेगी। और गाइज इसमें यार हमें जो कॉम्बो सेट करना है वो कॉम्बो है 7:4 का, यानी कि 7 प्लेयर हमें इंडिया के लेने हैं और 4 प्लेयर हमें नीदरलैंड के लेने हैं। बट गाइज इसमें जनता को यही पता ही नहीं है कि हमें वो 4 प्लेयर कौन कौन से नीदरलैंड के लेने हैं और 7 प्लेयर हमें कौन कौन से इंडिया के लेने हैं। तो गाइज देखो वीडियो में आप एंड तक रहना, जब भी यार देखो आपको वीडियो आपको मतलब सारी बातें समझ में आएगी। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो दोस्तों पहले ही बोल दे रहा हूँ वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप देखो जल्दी से जल्दी प्रेस कर लो। दोस्तों फटाफट से यार मैं मैच को आता हूँ, आपका देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये गाइज देखो ग्रुप सुपर 12 का ग्रुप 2 का ये मैच नंबर 23 है और डेट एंड टाइम बात करूँ तो ये मैच 27 अक्टूबर यानी कल 12:30 बजे मैच होने वाला है, यानी कल के दिन गाइस देखो टोटल 3 मैच खेले जाएंगे जिसमें से शाम का मैच कल पाकिस्तान का भी रहेगा। ठीक है, वेन्यू की बात कर लेते हैं तो ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे पहला मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, ये मैच वहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे बात कर लेता हूँ यार पिच रिपोर्ट का, तो गाइस ये सरफेस रहेगा वो गाइस देखो यहाँ पे बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों के लिए गाइस देखो यहाँ पे डेफिनेटली सुटेबल यहाँ पे पिच रहेगा। और यहाँ पे देखो कुछ मात्रा में यहाँ पे स्पिनर भी आपको मैच में डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, तो अपने टीम में अक्षर पटेल जैसे स्पिनर को श्योर ट्राई करना। ठीक है, बाकी यहां पे अगर फर्स्ट इनिंग की अगर एवरेज स्कोर की बात कर लूँ तो यहाँ पे 150 के आसपास है स्कोर यहाँ पे बनता है, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आई थिंक 170-180 भी यहाँ पे स्कोर बनते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि हमारी प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी। तो गाइस देखो इंडिया टीम के प्लेइंग इलेवन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा आई थिंक, अगर होगा भी तो आई थिंक मतलब ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा, बाकी मेरे हिसाब से अभी तक कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखो टॉस के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। और बॉलर का बाकी गाइस देखो सभी प्लेयर का रोल भी आपको पता है, पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह बॉलिंग यहाँ पे करने वाले हैं, और फिर डेथ ओवर में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और एक ओवर यहाँ पे भोवी का रहेगा, और फिर यहाँ पे बीच के ओवर में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अश्विन मिलकर यहाँ पे ओवर डालने वाले हैं। तो गाइस देखो सबका आपको रोल पता है, बैट्समैन भी देखो सब अपना रोहित और राहुल ओपनिंग है, नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे सूर्यकुमार यादव और फिर यहाँ पे पांड्या और फिर दिनेश कार्तिक। तो गाइस देखो इंडियन टीम के प्लेइंग इलेवन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बात यहाँ करते हैं नीदरलैंड की प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाली है। तो गाइस देखो यहाँ पे ओपनर मैक्स ओडाउट और यहाँ पे विक्रमजीत सिंह जो कि राइट एंड लेफ्ट कॉम्बो के साथ आएंगे, नंबर 3 पे बेस्ट डिलेडर जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा, राइट हैंडेड बैट्समैन है और यहाँ पे राइट आर्म फास्ट बॉलर भी है, तो आप आई थिंक आपके लिए देखो सुटेबल पिक रहेगा और आपको इनको अपनी टीम में लेकर चलना है। देन नंबर 4 पे कॉलिन आर्कमैन ऑर्थोडॉक्स बॉलर रहेगा, साथ ही साथ ये राइट हैंडेड बैट्समैन है। और गाइज यहाँ पे मतलब बात आपको बता दूँ तो गाइज ये नंबर 4 पे खेलने आएगा और गाइज ये बॉलिंग भी कभी कभार करा देता है। ठीक है, तो आई थिंक इनको भी आपको अपनी टीम में लेना है। देन यहाँ पे टॉम कोपर, स्कॉट एडवर्ड टीम के कैप्टन, टीम प्रेंगल, लोगन वान बीक राइट आर्म फास्ट बॉलर, सिराज अहमद जो कि यहाँ स्पिनर है, और फिर यहाँ पे फ्रेड क्लासेन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम यानी कि ये लेफ्टर पेसर है, और फिर यहाँ पे पॉल वान मार्गम जो कि ये भी राइट आर्म फास्ट है। तो गाइज ये इनकी प्लेइंग इलेवन रहने वाली है, और यहाँ पे गाइज को पावर प्ले में आपको फ्रेड क्लासेन और पॉल वान मार्गम उनके साथ साथ आपको बेस्ट लीडर ये 3 बॉलर बॉलिंग करने वाले हैं। ठीक है, डेथ ओवर में आपको लोगन वान बीक बॉलिंग करते हुए दिखेगा, और देन यहाँ पे बीच ओवर में आपको टीम प्रेंगल और सिराज अहमद और साथ साथ देखो यहाँ पे कॉलिन आर्कमैन का भी एक ओवर रहेगा। तो गाइज ये है इनकी प्लेइंग इलेवन। अब बात आती है कि हमारी इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम क्या रहने वाली है।
तो गाइस देखो अभी के लिए हमारी टीम ये, अभी के लिए मैंने विकेट कीपर सेक्शन में से स्कॉट एडवर्ड को लिया है, बैटिंग हमारा रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल को मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करती है तो फिर आप देखो रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना, फिर यहाँ पे आप सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में ले लेना, सिंपल ये पिक कर लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने चार ऑलराउंडर अक्षर पटेल, आर्कमैन हार्दिक पांड्या और बस डी लीडे यहाँ पे मैंने लिया है। देखो यार यहाँ पे भी एक आपके लिए कॉल रहेगा, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है फिर आपको अक्षर पटेल को ड्रॉप यहाँ पे करके अपनी टीम में एक्स्ट्रा बॉलर भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में शामिल कर लेना है। ठीक है, और अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग करती है तो फिर आपको देखो अक्षर पटेल के साथ ही जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने तीन पेसर लिए हैं जो कि मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और यहाँ पे फ्रेड क्लासेन है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप पॉल मार्कम के साथ भी आप देखो जा सकते हो। तो गाइस देखो यार इस टीम के साथ हेड टू हेड थ्री मेंबर और आप एटलीस्ट फोर मेंबर तक की लीग तो आप देखो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन देखो कैप्टन यार सबसे बेस्ट पिक हार्दिक पांड्या रहेगा, अगर इंडियन टीम चेज कर दिए तो विराट कोहली को यहाँ पे वाइस कैप्टन करना, और अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर यहाँ पे आप वाइस कैप्टन लोकेश राहुल के साथ भी आप देखो जा सकते हो। तो गाइस इस टीम के साथ अभी से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। बात यहाँ पे करते हैं कि हमारी ग्रैंड लीग में वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन कौन से रहने वाले हैं इस मैच के लिए। तो देखो यहाँ पे यार सबसे पहला प्लेयर हो गया यहाँ पे विक्रमजीत सिंह, सिलेक्शन यार काफी कम है बट यार देखो कंसिस्टेंसी यार बहुत है इस प्लेयर की। ठीक है, प्लेयर यार आई थिंक मुझे देखो पर्सनली काफी पसंद है, अभी तक यार देखो इस टूर्नामेंट में चार मैच खेला है जिसमें से गए देखो एक में ही बस इसने स्कोर किया है, बाकी देखो किसी में इसने कुछ मतलब मन लाइक परफॉर्मेंस नहीं किया है। और गाइस देखो ये ग्रैंड लीग का सबसे बेस्ट सिलेक्शन रहेगा नीदरलैंड की ओर से। ठीक है, देन ऑलराउंडर की बात कर लूँ तो यहाँ पे अक्षर पटेल यार सिलेक्शन यार आई थिंक 50% के आसपास है, बट यार देखो जो नीदरलैंड है उनके पास देखो काफ़ी ज़्यादा राइट हैंडर बैट्समैन है। ठीक है, और उसके लिए गए देखो यहाँ पे अक्षर पटेल जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, गए देखो काफ़ी परेशान करने वाला है और लोग यार देखो इनको ड्रॉप कर रहे हैं। आई थिंक यार देखो कल के मैच में ये ट्रम्प प्लेयर रहेगा जिनको आप अपनी ग्रैंड लीग का कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी तीसरे प्लेयर की बात कर लूँ तो ये वो यहाँ पर रहेगा आर्कमैन। देखो यार प्लेयर ये भी अच्छा है, नंबर चार पे बैटिंग करने आएगा, ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है और ये भी देखो नीदरलैंड की ओर से आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, बाकी बैटिंग में आपको यहाँ पे रोहित शर्मा को देखो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो रोहित को ड्रॉप करना, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में लेना, बाकी आप चाहो तो टॉम कॉपर को भी आप देखो ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये आपका कॉल रहेगा कि आप किन किन प्लेयर के साथ आप कब जाते हो, ये तीन आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे जो कि आपको अपनी ग्रैंड लीग और मिनी जेल की टीम में आपको ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी यार देखो फाइनल टीम के लिए तो आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक यार देखो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस देखो वीडियो को लाइक करना है, देखो सपोर्ट समर्थन मिलता है तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। ठीक है दोस्तों, बाकी यार सभी को अभी के लिए हैप्पी दिवाली, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बेस्ट।